जी हूँ, बहुत बहुत पी होगी, यानी कोल्ड ड्रिंक पी होगी। कोल्ड ड्रिंक में जैसे आप बॉटल खोलते हैं तो उसमें से आपको आवाज़ आती है, गैस निकलती है, तो दिस इज कॉल्ड गैस डिफ्यूजन इन लिक्विड। ये सॉलिड जो शुगर वाला है, सॉलिड डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब गैस का गैस में डिफ्यूजन, ये देखिएगा, ये ब्रोमीन गैस है जिसको कलर है, ब्रोमीन वेपर रेड ब्राउन है, ये हवा है, हवा का कोई कलर होता नहीं। आपने क्या करा, इसके ऊपर जो खाली हमने ये फ्लास्क रखा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारा रेड ब्राउन हो गया। इसका मतलब हवा के कणों में ब्रोमीन वेपर और ब्रोमीन कणों में हवा के वेपर समाहित हुए, डिफ्यूजन हुआ और ये सारे गैस आपस में मिल गए। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ द गैस इनटू गैस। देखिएगा, सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन भी होता है। आपने क्लास में देखा होगा, अगर हम चौक से लिखते हैं, अगर उसको दो दिन चौक से ना मिटाएं और उसको चार दिन बाद या पांच दिन बाद मिटाएं, तो मिटाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो अब हम दो लाइनों पर विशेष रूप से ध्यान करेंगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन गिव अस द टू कंक्लूजन, हमें दो चीज़ की पता लगी, एविडेंस मिला, नंबर एक कि मैटर इज मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल्स एंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एक चलती भी। इस चीज़ का अध्ययन सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक हुए हैं ब्राउन, उनके ऊपर कभी कभी सवाल आ जाता है व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन किया था नेक्टर लेकर। ये देखिएगा, उन्होंने पानी में एक नेक्टर डाले, उनकी जिग जैग पोजिशन ये देखिएगा। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप एक गिलास में पानी डालें, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, हल्दी पाउडर सारे में बिखर जाता है एकदम। किसने चलाया, कोई फोर्स तो लगाया नहीं था आपने, वो चली कैसे? क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज़ चल सकती है तो तभी चलेगी जब हम उस पर फोर्स लगाएं, लेकिन वहाँ पर तो फोर्स लगाया नहीं था हमने। तो हल्दी का सारे ग्लास में घूमना ये सिद्ध करता है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर मूव कंटिन्यूसली। एक माइक्रोस्कोप से लिया हुआ चित्र आपको ये साबित कर रहा है कि उसकी जो मोशन किसी भी दिशा में, कोई निश्चित दिशा में, निश्चित डायरेक्शन में नहीं है, इट इज ए जिग जैग मोशन। इसका आप घर में भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया आपके घर में कोई खिड़की खुली है, सुबह के टाइम देखें, खिड़की से बारीक एक हल्की सी लकीर लाइट के अंदर आती हुई दिखाई देती है, उसमें आप देखते हैं देर आर द मैनी पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट आर मूविंग, छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट के वो आपको मूव करते दिखाई देते हैं। तो दिस इज द एविडेंस, तो टू एविडेंस ऑफ, नंबर वन पार्टिकल्स, देर आर द मैनी पार्टिकल्स इन सॉलिड इन लिक्विड इन गैस, यानी मैटर, यानी कि मैटर आर मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल्स। सेकेंडली दे मूव कंटिन्यूसली। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन करेक्टराइज द पार्टिकल्स, देर आर द फोर करेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स। नंबर वन, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी टिनी। नंबर टू, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन दैम। अगर स्पेस नहीं होता तो पानी एक दूसरे से घुलता ही नहीं, चीनी नहीं घुलती। नंबर थ्री, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, अभी आपने पहले देखा, एविडेंस भी देखा आपने। एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो वो अब तक अलग अलग हो गए होते। इसका मतलब वे एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट द ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टिनी। हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं,
बीकर, ये बीकर, बीकर को भर लेते हैं पानी से और उसमें घोल लेते हैं KMnO4। पानी नीला हो जाता है, पर्पल देखिएगा आप, देख रहे होंगे। लेकिन इसमें से थोड़ा सा पानी लेकर, थोड़ा सा पानी लेकर हम दूसरे बीकर में फिर पानी भर लेते हैं, तीसरे बीकर में, उसमें से थोड़ा सा लेकर फिर तीसरे बीकर में पानी भरते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा लेकर फिर चौथे बीकर में पानी भरते हैं। यानी कि ये कलर जाता ही नहीं है, हल्का तो हो जाता है लेकिन जाता नहीं है। इसका मतलब कितने छोटे छोटे कण से मिलकर बना है पार्टिकल्स, हम सोच सकते हैं। और उसके हमने आपको मेजरमेंट ही बताया था कि 1 ड्रॉप ऑफ द वाटर हैज अबाउट 10^21 पार्टिकल्स। तो इतने छोटे पार्टिकल्स को ये जब मिल जाता है पानी में तो जल्दी से इसको दूर नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल आप घर भी देखते हैं, जब आप घर में कपड़े धोते हैं साबुन के पानी को एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको पानी को शुद्ध करने के लिए बार बार बखेर के पानी जब शुद्ध होता है, थोड़ी सी उसमें गंदगी मिला दो पानी में, उस पानी को अगर हम दूसरे पानी में करें वो गंदगी आती है। यानी कि इसका मतलब है कि पार्टिकल छोटे छोटे हैं और वो पानी में आराम से घुल जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी से दूर नहीं होते हैं। दूसरा एविडेंस है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में स्पेस है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, एक्टिविटी देखिएगा। सबसे पहले एक बीकर लें, 100 ml पानी भरें, 50 g चीनी लें, और चीनी डालने से पहले हमने इस पर एक निशान लगा लिया। ये देखें निशान, आपको लाल निशान दिखाई देता है, लाल निशान लगाया। उसके बाद में इस चीनी को हमने इसके अंदर डाल लिया, फिर घोला, घोलने के बाद में फिर इसको निशान चेक करा, निशान वहीं का वहीं था। कहाँ गई चीनी? चीनी एस्टेब्लिश हो गई पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी, इसलिए पानी का लेवल ऊपर नहीं गया। इससे ये प्रूव होता है कि देयर आर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमने बताया था द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वे कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो ये तो हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, आगे भी सिद्ध हो सकता है। आप अपने घरों में सिलेंडर देखिएगा, गैस निकलती है उससे, मूव करती है। हम अगरबत्ती देखते हैं, अगरबत्ती जलाते कहीं है, खुशबू कहीं आती है। इसका मतलब जो अगरबत्ती के जो स्मेल वाले पार्टिकल्स थे वो हवा के साथ मिलकर सारे वातावरण में, एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। एक एग्जाम्पल और हो सकता है, आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है, उस बनते खाने की खुशबू दूर बैठा व्यक्ति बता देता है कि आप आपके घर में ये बन रहा है। इट मीन्स कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर मूव्स कंटिन्यूसली, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, डिजोल्व होकर पहुंच जाते हैं। तो आपके दो चीज़ आई, डिफ्यूज़न, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड मूविंग पार्टिकल्स। चौथा नंबर आता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिएगा पार्टिकल्स की स्थिति ये होती है, चुपके होते हैं, चुपके होते हैं, चुपके होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखा और इनकी पोजिशन ये। लेकिन ये बात अलग है कि इनकी स्थिति सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है और गैस में अलग होती है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बाद में नॉलेज करेंगे। इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू सॉलिड लिक्विड एंड बेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आप काम के लिए ध्यान करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज मैटर, मैटर लिखेंगे। दूसरे लिखेंगे पुराने विद्वानों के अनुसार मैटर को कितने हिस्सों में बांटा गया। आज मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी
मैटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, व्हाट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल, हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो टिनी पार्टिकल्स हैं, व्हाट इज द डिफ्यूजन, व्हाट इज ब्राउन इन मोशन एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। आप अपने फेयर कॉपी पर इस चीज़ को लिखेंगे। धन्यवाद।